हर सुबह आपके पास में दो चॉइस होती है, एक तो ये कि आप सोते रहो और सपने ही देखते रहो, और दूसरा ये कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप तुरंत उस बिस्तर को छोड़ दें। चॉइस आपके हाथ में, जो आप आज चूज करोगे उसी का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में दिखने लग जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया कि वो डेली रात को ये सोचकर सोता है कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसे ये करते करते 2 महीने हो चुके हैं और इन 2 महीनों में वो एक बार भी 4 बजे नहीं उठ पाया। मैंने उससे पूछा 4 बजे उठना ही क्यों है, तो उसने बोला ये भी कोई क्वेश्चन है, बड़े बड़े मिलियनियर्स बिलियनियर्स टॉप सक्सेसफुल पीपल सब जल्दी उठते हैं, इसलिए मुझे भी जल्दी उठना है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन सुबह तब तक नहीं उठ पाएंगे जब तक कि या तो कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं होगा या फिर कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट काम नहीं होगा। यानी कि सुबह जल्दी उठने के इमोशंस बड़े होने चाहिए, बिस्तर पर पड़े रहने से जो मजा मिलता है उस इमोशन से तब सुबह जल्दी उठ जाओगे। सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई, आपकी दिन की पहली आदत तो वही हो जाती है जब आप हर रात को ये सोचकर सोते हो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और फिर जब सुबह जल्दी अलार्म बजता है तो आप स्नूज बटन हिट करते रहते हो, और जब उससे भी परेशान हो जाते हो तो अलार्म को ही बंद कर देते हो, और फिर उसी टाइम पर उठते हो जिस टाइम पर आप डेली उठते हो। जो इंसान अपने अलार्म से ही नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने नींद से ही नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने दिन की पहली जंग से ही हार जाता है वो जिंदगी में क्या जीतेगा, जो इंसान अपने बिस्तर से ही नहीं उठ सकता वो इंसान अपनी जिंदगी में क्या उठेगा। सोचो जरा, सोचो अगर आप उस टाइम पर उठ गए जिस टाइम पर आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होती है, तो आप आधी से ज्यादा दुनिया से तो पहले ही आगे आ गए। अगर आप अभी तक 7 बजे उठते आए हैं और अगर आप 4 बजे उठना शुरू कर दें तो आने वाले 10 सालों में आपको 1 साल 2 महीने और 25 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। हर दिन आप अपने लिए 3 घंटे एक्स्ट्रा बचा सकते हो ये करके, और सोचो आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो इन 3 घंटों में, और आप कितना आगे निकल जाओगे अपने कॉम्पिटिटर से इन 3 घंटों में अपने ऊपर काम करके। हम सबको पता है कि आज की डेट में कॉम्पिटिशन कितना ज्यादा है, अगर हम खुद पर काम करके खुद को इस लायक बना ले कि हम इस कॉम्पिटिशन में रहे ही ना, लेकिन हम कैसे करेंगे। मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी काम को आप सुबह 2 घंटे दीजिए, वो बराबर होगा दोपहर के 4 घंटे काम करने के। यानी अगर किसी काम को करने में आपको 4 से 5 घंटे लग रहे हैं दिन में, तो आप सुबह उस काम को करके देखिए, सुबह की सबसे पावरफुल एनर्जी, सुबह की सबसे पावरफुल कॉन्सेंट्रेशन का यूज करके आप उस काम को 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आपके कुछ गोल्स हो, कुछ ड्रीम्स हो सकता है आपके अंदर कोई टैलेंट हो, कोई स्किल्स हो, तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसे छोड़े ना, उस पर आप हर सुबह 2 घंटे काम करके देखें। 1 महीने बाद आप अपने आप में इतना इंप्रूवमेंट देखेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो चॉइस आपके हाथ में, या तो 2-3 घंटे जल्दी उठकर करोड़ों की भीड़ से अलग हटकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जाए, या फिर करोड़ों की ही भीड़ में रहकर उन्हीं की तरह सोते हुए सपनों को देखते रहो। हर एक एवरेज मिलेनियर्स बिलियनियर्स सुबह 4 बजे उठ जाता है। एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक 4 बजे उठ जाते हैं। PV सिंधु इंडियन बैडमिंटन प्लेयर 4 बजे उठ जाती है। द रॉक 3:30 पे उठ जाते हैं। अक्षय कुमार सुबह 4 से 4:30 के बीच में उठ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपने 20 साल के करियर में एक दिन भी मिस नहीं किया, 6 बजे फिक्स नेट पर पहुंच जाते और 500 बॉल्स को फेस करने के बाद ही अपना दिन शुरू करते। कई लोगों का मानना है कि एक इंसान के लिए 6 घंटे की नींद जरूरी है, कई लोग कहेंगे कि 7 घंटे की जरूरी है, कई लोग कहेंगे कि 8 घंटे की जरूरी है। इलोन मस्क 6 घंटे की नींद लेते हैं, और उनसे ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मेरा मानना यह है कि जो इंसान जितने घंटे की नींद लेता है उतनी ही उसके लिए जरूरी हो जाती है। अगर वो कम नींद भी लेगा तो उसका शरीर कुछ दिन बाद उसी हिसाब से ढल जाएगा, फिर उसके लिए उतनी ही नींद जरूरी बन जाएगी। मुझे पता है कि शुरू में थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन बाद में आपको ही मजा आएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप वो करोगे जो आपके लिए आसान है तो आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए मुश्किल है तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। पहले आप इसे 1 दिन ट्राई करके देखें, उसके बाद इसे 5 दिन ट्राई करके देखें, जब 5 दिन हो जाए तो इसे 10 दिन ट्राई करके देखें, और फिर फाइनली 21 दिन तक ट्राई करके देखें। उसके बाद आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा सुबह जल्दी उठने के लिए, क्योंकि 21 दिनों के बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। और वो हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या खूब बात कही है कि जब तक सफल ना हो नींद चेंद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वो संदीप द्विवेदी जी की कविता मुझे इतनी पसंद आई कि आज 1 साल बाद फिर से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, अरे जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है उसे भी तू खोता रहे, लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे, न कोई तूफान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे, लहरें तेरी कदमों में है तू नाव पकड़ बस रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। धूप अभी सिरहाने है, मौसम जाने पहचाने है, रात अभी तो घंटों है,
बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया, दो पग चलने में रोता रहे। सब जाग रहे, तू सोता रहे। अरे माना की मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है? ये हार नहीं है बाहर की, भीतर से हिम्मत हारी है। सब उठ रहे यहाँ गिर गिर कर, न उठ तू यूं ही लेटा रहे। सब जाग रहे, तू सोता रहे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।